नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने कार्टोग्राफिया आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा, जनरल साइंस का एडुकेटर। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि कार्टोग्राफिया आईएएस आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आ रहा है। ये क्या है? सबसे पहले ये है एक आपका यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स। तो आपका यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स है 60 डेज। इसमें मैं और मेरी पूरी कार्टोग्राफिया आईएएस की टीम आप लोगों को वादा करती है, आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार है कि हम आप लोगों के 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का आपको वादा देते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम गारंटी लेते हैं गाइस कि आपके आने वाले यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स में जो हम करवाएंगे सेम इस तरीके से करवाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम में 90+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ये मेरी और मेरी पूरी टीम कार्टोग्राफिया आईएएस का आपके साथ कमिटमेंट रहेगी, वादा रहेगा। तो गाइस देर ना कीजिए, जल्दी से हमारे साथ जुड़े। आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है इस बात को अपने दोस्तों के साथ बताओ और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करो। दूसरा, कार्टोग्राफी आईएएस आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है? ये लेकर आ रहा है यूपीएससी पंचम वर्ष, जो एक ऐसा स्टडी मॉड्यूल है, एक स्टडी मॉड्यूल ऐसा बनाया है, 5 मॉड्यूल को इंक्लूड करके हमने आपका स्टडी मॉड्यूल तैयार किया है, जिसको हमने नाम रखा पंचम वर्ष। और पंचम वर्ष ऐसा है बिल्कुल अमृत जैसा। हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं जिससे आपको यूपीएससी के एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की अप्रोच मिलेगी। ये हमारा वादा रहेगा आप लोगों के साथ। तो गाइस देर ना कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़े हमारे कार्टोग्राफिया आईएएस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन सीरीज, और ये क्वेश्चन सीरीज होगी यूपीपीसीएस के लिए। तो मैं एक बार जल्दी से आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक सरोहा है और मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं यूपीपीसीएस स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए। इन 5 सालों के अनुभव के साथ मैंने लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स को मेंटर किया है और पीसीएस लेवल पर मैंने अपने बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर यही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का, कि क्वेश्चंस की अप्रोच तक हम कैसे पहुंचे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और ये वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके यूपीपीसीएस के अंदर पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएस के अंदर पूछे गए हैं, वो सभी करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी से। ये आपके बायोलॉजी के जीव विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को काफी आसानी से पढ़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की देरी होती है हमें क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन क्या का कह रहा है यहां पर, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। किसकी बात हो रही है? रुधिर के निर्माण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रुधिर के निर्माण की बात हो रही है गाइस, ध्यान रखना। किसकी बात हो रही है? रुधिर के निर्माण की बात हो रही है, कि रुधिर का निर्माण कहां, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कहां पर होता है, मानव शरीर के अंदर। तो गाइस आप सभी को पता है कहां होता है, जल्दी से मुझे आंसर करके बताएंगे कि रुधिर का निर्माण कहां होता है मानव शरीर में। तो आप कहोगे कि सर हमने तो सुना था ये किसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। कहां होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। बहुत अच्छे, आया समझ में आप लोगों को? तो ध्यान रखना, रुधिर का निर्माण, ब्लड की फॉर्मेशन हमेशा कहाँ रहेगी? आपके बोन मैरो में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आनी चाहिए, और ये अक्सर क्वेश्चन को बाउंस किया जाता है, वो कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोन मैरो है वो कहां पर अवेलेबल होता है हमारी बॉडी में, कहां पर अवेलेबल होता है, कहां पर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ध्यान रखना, जो ये बोन मैरो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहां मिलता है? लॉन्ग बोन्स के अंदर मिलता है अक्सर। कहां मिलता है? अवेलेबिलिटी कहां होगी इसकी? लॉन्ग बोन्स में, लंबी हड्डियों के अंदर होगी। कहां होगी? लंबी हड्डियों के अंदर होंगी, लॉन्ग बोन्स में। आया समझ में आप लोगों को? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बोन मैरो, अस्थि मज्जा की शेप कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है। किसके बारे में बात की जा सकती है यहाँ से? आपकी आकृति के बारे में भी बात की जा सकती है, इसकी शेप के बारे में भी।
तो ध्यान रखना इसकी शेप कैसी होती है, बीच में से तो काफी पतला होता है, ऊपर से मोटा होता है और नीचे से भी मोटा होता है। तो ये शेप कैसी नजर आ रही है आपको? आप कहोगे सर ये तो डंबल शेप बन गई। कैसी बन गई? डंबल जैसी आकृति बन गई। तो यहां से हमारे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। कौन सा पहला क्वेश्चन कि रुधिर का निर्माण कहाँ हुआ, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। आपको पता है, आपने आंसर दिया बोन मैरो के अंदर। फिर मैंने इस क्वेश्चन को बाउंस किया कि इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ होती है बोन मैरो की, तो आपने बताया लॉन्ग बोन्स में, लंबी हड्डियों में पाया जाता है। फिर मैंने थर्ड आपसे पूछा इसकी शेप क्या होती है, तो आपने बताया इसकी शेप डंबल शेप होती है। कैसी होती है इसकी आकृति? डंबल जैसी आकृति होती है। आया समझ में? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों बिल्कुल जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर, पूरी एनर्जी लगा दो यार, अब तो बहुत कम समय रह गया आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। इसमें बात की गई है अमाउंट के ब्लड की, कि ब्लड का अमाउंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ब्लड की कंपोजिशन देखनी पड़ेगी। मतलब कि क्या देखना पड़ेगा, रुधिर के घटक देखने पड़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हिंदी में क्या बोलेंगे, रुधिर के घटक। तो रुधिर के घटक कितने हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई, रुधिर के घटक दो ही होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक प्लाज्मा होता है, एक प्लाज्मा होता है, और दूसरे कौन से होते हैं, कार्पसल्स होते हैं, रुधिराणु होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, कार्पसल्स होते हैं, रुधिराणु होते हैं, और यही कार्पसल्स आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं, किसमें, आपके आरबीसी बन जाते हैं यहीं से, और यहीं से क्या बनते हैं आपके डब्ल्यूबीसी बनते हैं, और यहीं से आपकी क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती है। क्या बनती है? प्लेटलेट्स बनती है। तो अब एक चीज देखो यार, इन चारों से मिलकर क्या है, आपका पूरा ब्लड बना हुआ है ना, इन चारों से मिलकर पूरा क्या बना, आपका ब्लड बना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से पूरा ब्लड बना हुआ। कितना बना हुआ है? 100% बना हुआ है ना। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, तो ध्यान रखना जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 55% होता है, और रिमेनिंग 45% किसका होता है, कार्पसल्स का। और ये 45% डिवाइड होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। आरबीसी में कितना होता है, 42 होता है, डब्ल्यूबीसी में कितना होता है, 2% होता है, और प्लेटलेट्स में 1% होता है। आया समझ में आप लोगों को? तो मैक्सिमम की बात की गई है ना क्वेश्चन में, अधिकतम की बात की गई है, तो अधिकतम किसमें दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा में। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मिनिमम, क्वेश्चन में आपसे बात करें मिनिमम के बारे में, कम से कम किसमें होगा, तो आप कहोगे कि सर प्लेटलेट्स होंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, फिर भी इनको आपने क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, किसकी बात की गई है, आपके हृदय की बात की गई है। किसकी बात की गई है, आपके हृदय की बात की गई है। हृदय में किसकी बात की जा रही है, कक्ष की बात की जा रही है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर ब्लड, मतलब कि अधिकतम मात्रा में, अधिक मात्रा के अंदर किसकी बात की जा रही है, शुद्ध रुधिर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, शुद्ध रुधिर की बात की जा रही है। तो मुझे जल्दी से बताओ, आपका जो हृदय का चैम्बर होता है, उसमें किसमें सबसे ज्यादा शुद्ध अमाउंट में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं पहले भी क्लासेस के अंदर गाइज, कि जो आपका हार्ट होता है उसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ उसको हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये आपका प्रॉपर हार्ट का डायग्राम नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। हार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ये राइट पार्ट होता है, ये लेफ्ट पार्ट। 1, 2, 3, 4। आपसे पूछा जाए हार्ट के टोटल चैम्बर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4 होते हैं। ध्यान रखेंगे गाइस, एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना है आपने, हार्ट के टोटल चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हार्ट का अपर पार्ट होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ओरिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओरिकल के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है हार्ट का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को हम आलिंद बोल सकते हैं हिंदी में, और नीचे वाले को हम क्या बोल सकते हैं, निलय बोल सकते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, निलय, ठीक है गाइस। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है आपको, राइट साइड में हमेशा, राइट साइड में हमेशा किसकी बात की जाएगी, राइट साइड में, राइट ये है हमारी, राइट में हमेशा क्या मिलेगा आपको, इम्प्योर ब्लड मिलेगा गाइस। राइट में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड मिलता है। और जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट में हमेशा क्या मिलता है, प्योर ब्लड मिलता है।
लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, प्योर ब्लड। अब देखो यार, कोई चीज स्टोर होगी तो वो कहाँ होगी, नीचे ही आके स्टोर होगी ना। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए इम्प्योर ब्लड सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ होता है, तो राइट साइड के वेंट्रिकल में होता है। और आज हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्योर ब्लड, तो प्योर ब्लड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड के नीचे वाले पार्ट में होगा, किसमें, वेंट्रिकल में होगा, नीले में। तो हम क्या आंसर देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको यही छोटी सी बातें याद रखनी है, हार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट लेफ्ट, ऊपर वाले पार्ट को ओरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। हमेशा चीजें वेंट्रिकल में क्या होती हैं, एड होती है लार्ज अमाउंट के अंदर। राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड। बस यहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, रुकने वाला नहीं है यहां से क्वेश्चन आपका, बिल्कुल नहीं रुक सकता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेंटेन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, किसकी बात की जा रही है, सॉल्ट की बात की जा रही है, नमक की मात्रा की बात की जा रही है, किसकी मात्रा, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा को मेंटेन कौन सी ग्रंथि रखती है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जब बात किसकी आ जाए, सॉल्ट की आ जाए, तो मैं पहले भी बता चुका हूं पहले वाली वीडियोस में कि जब सॉल्ट की बात आती है तो सॉल्ट के साथ किसके बारे में बात आए, ग्लैंड के बारे में बात आए, ग्रंथि के बारे में, तो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। ये क्या करती है, नमक की मात्रा बनाए रखती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। इसको हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें थायराइड ग्लैंड ऑप्शन में ना दिया हो, इसका दूसरा नाम दिया हो। तो ध्यान रखना, इसको हम एच शेप्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी आकृति एच जैसी होती है, एच शेप्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एच शेप्ड ग्लैंड बोलते हैं, एच जैसी आकृति होती है। आपसे पूछा जाए थायराइड ग्लैंड अवेलेबल कहाँ होती है, तो आपको बताना होगा कि थायराइड ग्लैंड थ्रोट में अवेलेबल होती है। कहाँ होती है, गले में पाई जाती है। कहाँ होती है, यहाँ पर पाई जाती है, गले में। आया समझ में गाइस, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन तो यही हो गया, सोल्ट के अमाउंट को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, सोल्ट के अमाउंट को मेंटेन कर रही है। और दूसरा जो मेन फंक्शन है वो ध्यान रखना, ये आपके ब्लड प्रेशर और आपके हार्ट बीट को भी मेंटेन करती है। किसको, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। कौन करती है, आपकी थायराइड ग्लैंड। इस चीज को बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल दिमाग में डालें। और देखो, यहां डालोगे ना तब यहां से निकलेगा एग्जाम में, और यहां नहीं डाल पाए तो यहां से कुछ नहीं निकलने वाला एग्जाम में। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सिमिलर वही जो मैंने अभी अभी बताया। क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मैं यहां आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जैसा ब्लड प्रेशर होता है, इस चीज को ध्यान रखना, जैसा ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही क्या होती है, आपकी हार्ट बीट होती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे होते हैं। जैसा ब्लड प्रेशर वैसी ही आपकी हार्ट बीट। और मेंटेन, दो वर्ड मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर, एक मेंटेन सिखा रहा हूं और दूसरा वर्ड कौन सा सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, कंट्रोल। मेंटेन की बात आएगी किसके, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट की, मैंने अभी अभी बताया था। कौन सी होगी, थायराइड ग्लैंड। कौन होगी वो, थायराइड ग्लैंड होगी भाई। और मैंने इसका दूसरा नाम भी बताया था, क्या बताया था, एच शेप्ड ग्लैंड बताया था। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कंट्रोल करने वाली कौन सी ग्लैंड होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा हो गया आपका, थायराइड ग्लैंड हो गया। यदि यहां पर मेंटेन की जगह किस वर्ड को यूज किया जाए, कंट्रोल को यूज किया जाए, तो ध्यान रखना ये कंट्रोल की बात की जा रही है, किसके, आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट की। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए वो कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है गाइस, एड्रिनल ग्लैंड होती है आपकी, जिसको हिंदी में वक्र ग्रंथि कहा जाता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आया समझ में, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच प्रोसेस, क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है ये, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। बाई विच प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। भाई बात की जा रही है रुधिर के निर्माण की, कि जो रुधिर का निर्माण होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, रुधिर का निर्माण मानव शरीर में किस क्रिया के द्वारा होता है। तो मुझे ये बताओ, क्या आपकी बॉडी के अंदर
कोई ऐसा स्विच या बटन लगा हुआ है कि जिसको ऑन कर दिया तो ब्लड बनना स्टार्ट हो गया, जिसको ऑफ कर दिया तो ब्लड बनना रुक गया, क्या कुछ ऐसा है? नहीं है ना, ब्लड तो आपकी बॉडी में अपने आप बनता रहता है, ब्लड आपकी बॉडी में अपने आप बनता रहता है। और जब कोई एक चीज अपने आप बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो चीज नेचुरली क्या हो रही है, अपने आप बनती जा रही है। तो हम प्रोसेस क्या बोलेंगे फिर? तो नेचुरल प्रोसेस ही बोलेंगे ना। जब कोई भी चीज अपने आप बन रही है तो हम क्या कहेंगे, वो प्राकृतिक क्रिया के द्वारा अपने आप। जैसे फूलों का उगना प्राकृतिक क्रिया है ना, ये फूलों का उगना, फूलों के पौधे पर क्या आएंगे, फूल ही आएंगे, अपने आप आते हैं वो, तो क्या है कि ये प्राकृतिक क्रिया। ऐसे ही ब्लड जो आपके शरीर में बनता है वो भी क्या है, अपने आप बनता है, उसमें आपकी कोई भी रोल नहीं होता, उसमें आपकी कोई क्रिया नहीं होती। तो ध्यान रखना, रुधिर के निर्माण की क्रिया कौन सी हो गई, नेचुरल प्रोसेस प्राकृतिक क्रिया हो गई। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन ने तो तबाही मचाई है, हर एग्जाम के अंदर तबाही मचाई है। जॉन्डिस कॉज द इन्फेक्शन इन, जॉन्डिस की बात की जा रही है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस एक डिजीज है, जॉन्डिस एक क्या है, बीमारी है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हो, पीलिया। जब आपको पीलिया हो जाता है तो ये बॉडी के किस पार्ट पर इंफेक्शन फैलाता है? तो सभी को पता होगा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लीवर, आपके यकृत पर। बट ऐसा क्यों कि इस पीलिया ने, इस जॉन्डिस ने सिर्फ लीवर को ही खराब किया, ऐसा क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि जॉन्डिस जो होता है ना वो किसके कारण होता है, आपके बॉडी में एक पिगमेंट होता है ब्लूविरिन पिगमेंट, आपके शरीर के अंदर एक पिगमेंट होता है ब्लूविरिन पिगमेंट, इसके कारण। ये ब्लूविरिन पिगमेंट कहाँ बनता है, आपके लीवर में बनता है। यदि ब्लूविरिन पिगमेंट की मात्रा अधिक हो जाए, कितनी हो जाए अधिक, यदि 2 से अधिक हो जाए, 2 से कैसे, ब्लूविरिन पिगमेंट आपके शरीर में किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 0.4 से लेकर 1.7 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड इतना हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। यदि ये अमाउंट 2 से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 2 से ज्यादा बढ़ जाता है, किसका, ब्लूविरिन पिगमेंट का, तो ये क्या करता है, पिगमेंट हमारे चेहरे पर एक कलर प्रोवाइड कर देता है। कैसा कलर प्रोवाइड कर देता है, एक येलो इस कलर प्रोवाइड कर देता है। और ये अपना इन्फेक्शन कहाँ फैलाना शुरू कर देता है, फिर आपके लीवर में। जो चीज जहां बनेगी, देखो यार, जहां आप रहते हो वहीं गंदगी फैलाते हो ना, संभवता देखी जाए तो। सेम ब्लूविरिन पिगमेंट की फॉर्मेशन कहां हुई, लीवर में, और इसकी मात्रा जहां ज्यादा हो जाएगी तो उसी को खराब करेगा, तो लीवर को खराब कर दिया। तो हमने इस बीमारी को क्या बोल दिया, जॉन्डिस बोल दिया, पीलिया। और ये दिखाई कब देता है, जब हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। आया समझ में, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज रिलेटेड विद, काफी तबाही मचाई है इस क्वेश्चन ने भी यार, काफी तबाही मचाई है। हीमोफीलिया है क्या, ध्यान रखना, ये भी एक बीमारी है, ये भी क्या है, डिजीज है। और ये कैसा डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। ऐसा है गाइस, जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक बीमारी होती है। तो ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये अनुवांशिक बीमारी होती कैसी है। तो ध्यान रखना, इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती, जो रुधिर वाहिनी होती है, यहां से क्या होता रहता है गाइस, ब्लड लीकेज होता रहता है हमारी बॉडी में। ब्लड क्या होता रहता है, लीक होता रहता है हमारी बॉडी में, लीकेज होता रहता है। और ये ब्लड कहाँ जाता है, मसल्स के अंदर जाता रहता है, किसके अंदर, मसल्स के अंदर जाता रहता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया डिजीज। ये अक्सर किसके अंदर होता है, ये पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में। आजकल ग्रेट ब्रिटेन को आजकल हम क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। तो इंग्लैंड में किन लोगों के अंदर पाया जाता है, जो इंग्लैंड का समुदाय है ग्रेट ब्रिटेन का, रॉयल फैमिलीज का, उन लोगों के अंदर ये बीमारी अनुवांशिक आज भी उपस्थित है। तो किससे संबंधित है, रॉयल फैमिली से। कहां से, रॉयल फैमिली से। कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के यहां से, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए हीमोफीलिया डिजीज कौन सी कंट्री में पाया जाता है, इंग्लैंड में, जिसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए हीमोफीलिया डिजीज में होता क्या है, लीकेज ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है, लीकेज ऑफ ब्लड इन साइड द बॉडी, शरीर के अंदर ही अंदर ब्लड क्या होता रहता है, लीकेज होती रहती है। कहां से, आपकी रुधिर वाहिनियों से, ब्लड वेसल से होता रहता है। तो आपका आंसर इसमें क्या है, बी। क्वेश्चन को हर एक को काफी अच्छे से देखेंगे, काफी अच्छे से परखना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी आप उसकी अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। यहां बात की गई है विटामिन की, बात की गई है गाइस, किसकी बात की गई है,
विटामिन की बात की गई है कि कौन सी विटामिन सबसे जरूरी होती है ब्लड क्लोटिंग रुधिर का थक्का बनाने में। ब्लड क्लोटिंग को क्या बोलते हैं? रुधिर का थक्का। रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सबसे जरूरी होती है? तो याद रखना विटामिन के जरूरी होती है, विटामिन के जरूरी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? डी। भाई विटामिन के ध्यान रखना अक्सर कमी किन लोगों के अंदर पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी डेफिशिएंसी कमी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है वो पेशेंट होते हैं, उन लोगों के अंदर क्या होती है? हमेशा विटामिन के की कमी होती है। और आपने अक्सर ये देखा होगा जो शुगर पेशेंट है, जो डायबिटीज के पेशेंट है, उनको जब कभी भी घाव लग जाते हैं, हाथ पे चोट लग जाती है, कोई भी घाव हो जाता है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके अंदर पहले ही कमी किसकी है? विटामिन के की। और विटामिन के की कमी होने के कारण क्या नहीं बन पाता? अच्छे से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती, तो उनका घाव अच्छे से भर नहीं पाता है। आया समझ में? बहुत अच्छा। अब बात यहाँ ये आती है कि शुगर पेशेंट के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती क्यों है? शुगर पेशेंट के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती क्यों है? वो इसलिए होती है, जो शुगर पेशेंट होता है आपने देखा होगा वो बार बार यूरिन के लिए जाता है, बार बार यूरिन के लिए जाता है। कम से कम 1 घंटे में 4 बार यूरिन करना पड़ता है बेचारे को। और यूरिन में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है ना वो किसका होता है? विटामिन के का होता है। किसका होता है? विटामिन के का। इसलिए इन लोगों के अंदर अक्सर किसकी कमी पाई जाती है? विटामिन के की। आया समझ में? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन गाइस, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर पूछा गया था ये। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, किसकी बात की जा रही है? प्लाज्मा प्रोटीन की बात की जा रही है। वर्क एज अ ऑयल लुब्रिकेंट इनसाइड द बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। की जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है उस कौन सी वो है जो कैसे काम करती है? ऑयल लुब्रिकेंट की तरह, मतलब एक तेल की चिकनाहट के रूप में कार्य करती है। तो सभी को रटा हुआ होना चाहिए, एलुबिन्स होती हैं। कौन सी होती हैं वो? एलुबिन्स प्रोटीन होती हैं भाई। कौन सी होती है? एलुबिन्स। तो आपके बॉडी पार्ट पर क्या करती हैं? एक तेल की तरह कार्य करती है, एक चिकनाहट के रूप में कार्य करती हैं। कहाँ? आपके शरीर के हर एक अंग के अंदर। आपने देखा होगा आप अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स की सर्विस तो नहीं करवा पाते ना, कि ऐसा किया हो कि सर्विस सेंटर पे हार्ट निकाला और देकर आ गया हो कि भैया मेरे हार्ट की सफाई कर दो, सर्विस कर दो, ऐसा करते हो? नहीं करते। बट हार्ट कंटिन्यूसली आपके शरीर में काम करता रहता है। बट जो उसकी ऑटोमेटिक जो सर्विस होती है आपके शरीर के अंदर, तो उसको ग्रीस की जरूरत होती है, तेल चिकनाई की जो जरूरत होती है वो पूरी कौन करता है? आपका एलुबिन्स प्रोटीन करती है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? बहुत अच्छे गाइस। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाओं का वैज्ञानिक नेम। इसका लाल रुधिर कणिकाओं का वैज्ञानिक नेम भाई जल्दी से बता दो मुझे, बहुत बढ़िया है। तो ध्यान रखना जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होते हैं? रिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? रिथ्रोसाइट्स होता है, ध्यान रखना क्या होता है? रिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होता है? रिथ्रोसाइट्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आपसे पूछा जाए आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपसे पूछा जाए आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोन मैरो में। और भाई कौन सी बोन मैरो में होती है? अब ये भी सुन लो, जल्दी से सुन लो। मैंने बोन मैरो की शेप कुछ ऐसे बताई थी, बीच से पतली, ऊपर से मोटी और नीचे से मोटी। तो ध्यान रखना आरबीसी हमेशा ऊपर वाले पार्ट में बनता है, तो हम क्या बोलेंगे? अपर बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होती है। किसमें? अस्थि मज्जा के ऊपरी भाग में। इसका निर्माण होता है आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। आया समझ में? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग बोन प्रेजेंट इन फेशियल बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। चेहरे में कौन सी हड्डी उपस्थित होती है निम्नलिखित में से? चेहरे में तो आपको पता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पाई जाती है आपके चेहरे में। कौन सी पाई जाती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। चेहरे में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है? इस पूरे चेहरे में, लोअर जो में। कहाँ पाई जाती है? निचले जबड़े में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लोअर जो में। तो नाम क्या होता है गाइस? मैंडिबल होता है। क्या होता है? मैंडिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो क्वेश्चन को कितना उल्टा पूछा गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा तो ये बनता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। इसने पूछा क्या कि चेहरे में कौन सी हड्डी पाई जाती है निम्नलिखित में से? तो यार चेहरे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। और कौन सी होती है? लोअर जो। तो क्या होगा? मैंडिबल।
ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? अपर हैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाथ के ऊपरी भाग में पाई जाती है। रेडिकल कहाँ पाई जाती है? लोअर हैंड में पाई जाती है, हाथ के निचले भाग में पाई जाती है गाइस। टीबिया कहाँ पाई जाती है? लोअर लेग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लोअर लेग में। तो जो बता वही आपका आंसर हो जाएगा, फिर फेस पे पाई जाती है। आया समझ में? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन, बस आज इतना ही करते हैं इस सेशन में, ठीक है? अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में और कुछ और अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बताना है हमारे कार्टोग्राफी आईएएस के बारे में, और जितना हो सके यदि आपको पसंद आया है क्लास तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मैंने जो स्टार्टिंग में बताया जो हमारा कार्टोग्राफी आईएएस जो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है, यूपीएससी पंचमवर्त लेकर आ रहा है, तो गाइज इसके बारे में अपने दोस्तों को जरूर ये सूचना प्रदान करें और जितना जल्दी हो सकता है आप लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो मैं यही आज अलविदा लेता हूं और फिर मुलाकात करता हूं इसी एनर्जी इसी जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।